हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, या चैप्टर कौन सा है, 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा है, अब यह है चैप्टर नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरी भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे इंपॉर्टेंट थे, ये भी कराना जरूरी ही था, क्योंकि सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं घुमा फिरा के। तो ये भी क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये दिया गया है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक में पूछे या टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में पूछे एंजियोस्पर्म के। कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियोटाइड एकदम सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं कितने एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा तो कम लिखा है अभी इसमें ना। 256 एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक फाइन तब जब डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो जो होता है मोनोस्पोरिक, एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। कब, जब वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ ए मेगास्पोर मदर सेल, जब मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो 256 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पॉइंट आउट द ऑर्डन, अब इसमें से कौन सा, चारों में से देखना कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा, जैसे न्यूसलस, माइक्रोपाइल, ये सब किसके हैं, एम्ब्रियो सैक, ये सब सही हैं, लेकिन पोलन ग्रेन जो होता है ये डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक एक जगह, न्यूसलस, माइक्रोपाइल आपको देखने को मिलेगा, बट पोलन ग्रेन तो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हिच वन इज सो मियोसिस, अब मियोसिस किस में होगा, रूट टिप में, पोलन ग्रेन में, या आर्चिस्कोरियम में कि एंथर में। तो 260 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे, एंथर में मियोसिस होगा, तभी तो बनते हैं पोलन ग्रेन। नेक्स्ट ये देखिए, ओव्यूल इज कर्व एंड एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप, माइक्रोपाइल चलाजा एंड फ्यूनिकल अकर नियर वन अनदर, एक दूसरे के मतलब पास में होते हैं। दी ओव्यूल इज, ओव्यूल कर्व होता है एंड एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप, यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। तो 261 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग देखिए, एम्फीट्रोपस ओव्यूल हो जाएगा, एम्फीट्रोपस, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ओव्यूल इज स्ट्रेट होता है, ओव्यूल जो होता है स्ट्रेट होता है विथ फ्यूनिकल्स के साथ में, एम्ब्रियो सैक चलाजा एंड माइक्रोपाइल लेइंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो ऐसे ओव्यूल्स को क्या कहेंगे। तो 262 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या, आर्थोट्रोपस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूल इज इन्वर्टेड, अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन एक ही जगह लिख लेंगे ना, फिर उसको देखते रहेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओव्यूल इज इन्वर्टेड, अगर ओव्यूल उल्टा हो विथ बॉडी फ्यूज, फ्यूनिकल के साथ फ्यूज भी हो, और माइक्रोपाइल लाइंग, माइक्रोपाइल जो है क्लोज हाइलम के पास में है फेसिंग द प्लेसेंटा की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे। तो 263 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें मैच करेंगे, एनाट्रोपस। तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत नहीं। ओव्यूल्स आप पूछ रहा है सिप्सेला का, सिप्सेला एंड पाइसम सटाइबम और पी का नाम होता है साइंटिफिक नेम मटर का, तो ओव्यूल्स और सिप्सेला एंड पाइसम सटाइबम के ओव्यूल्स कैसा होता है, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, या एम्फीट्रोपस, या कंपाइलोट्रोपस। तो 264 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कंपाइलोट्रोपस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर इन ए फ्लावरिंग प्लांट कैन बी, जो क्रोमोसोम नंबर होता है फ्लावरिंग प्लांट में कैन बी हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो 266 का हैप्लॉयड भी हो सकता है, डिप्लॉयड भी होता है, पॉलीप्लॉयड भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया है, जैसे फेमस एम्ब्रियोलॉजी इंडिया का पूछ लिया तो पी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बियर्स डिस्कवर्स आप, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवाश्चिन एंड ग्यूगनार्ड ने, एकदम रट लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, आप पेन पेपर कॉपी लेके तभी वीडियो देखिए, तभी 100% फ़ायदा मिलेगा, नहीं फिर मूवी की तरह भूल जाएंगे। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ,
वाटर इसमें किस में किस प्लांट में वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, तो आप याद करेंगे आप जितने भी जैसे मान लीजिए ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, ये सब में तो वाटर रिक्वायर्ड होता है। जैसे ड्राइवटेरिस ये तो टेरिडोफाइट हैं, वाटर रिक्वायर्ड होगा। सिलेजनेला तो ये तो वाटर में रहते हैं, बलिस्नेरिया ये भी वाटर में रहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन। लेकिन पाइसम्स और मेज के लिए वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता फर्टिलाइजेशन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एंजियोस्पर्म का फीचर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 272, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब इंटर करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे चलाजोगैमी कहेंगे, मेजोगैमी कहेंगे, या स्यूडोगैमी कहेंगे, या पोरोगैमी कहेंगे। तो 272 का ऑप्शन नंबर सी पोरोगैमी कहेंगे, अगर माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या 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 फ्यूज होता है? टू एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल गैमेट विथ एग एंड अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो 273 का ऑप्शन नंबर डी देखिए अच्छे से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 274 का, ये डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड टेट्राप्लाइड मेल प्लांट आर क्रॉस किया जाता है तो क्या बनता है? तो 274 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 274 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, टेट्राप्लाइड बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट, उसको क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तो 275 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉयड टिशू क्या होते हैं? तो ट्रिप्लॉयड टिशू कौन से होते हैं? तो 276 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ट्रिप्लॉयड टिशू इंडोस्पर्म इन मेज व्हीट और लिली के जो इंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, मींस 3n होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं, 1n 2n ये सब 2n होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म, कौन एंडोस्पर्म को बनाता है? एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, या सेकेंडरी न्यूक्लियस, या ओस्पोर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 277 का एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है एंडोस्पर्म बनाता है। नेक्स्ट 278, फर्टिलाइजेशन इज सिनोनिम्स विथ, 278 का ऑप्शन नंबर बी देखिए सिंगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी बोल देते हैं कभी कभी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट को क्या कहेंगे? मिल्की वाटर, लिक्विड चलाजा, लिक्विड न्यूक्लियस, लिक्विड इंडोस्पर्म, या लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। तो 280 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए, लिक्विड इंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिलीफॉर्म ऑपरेटस अकर्स इन, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ होता है? सिनर्जिड्स में, सेकेंडरी न्यूक्लियस में, एग न्यूक्लियस में, या एंटीपोडल्स में। तो 288 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सिनर्जिड्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो वाला आपको थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और अगर गलत हो रहा तो एक बार वो वीडियो और रिवाइज करें, या अपना नोट डाउन किए हों, नोटबुक बनाए हों तो उसको रिवाइज करें, ऐसा करिए तभी क्वेश्चन आसानी से सब सॉल्व होंगे, फिर आपका जो मोटिव होगा वो डेवलप होगा तो मज़ा आएगा। इन डबल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या फॉर्म करते हैं? एंडोस्पर्म, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, एंजियोस्पर्म में जो ट्रिपल फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है किसके फॉर्मेशन में? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सप्रेसर, या फ्रूट वॉल। तो 291 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? ये देखिए आप आसानी से क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट करिए ना, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आउटर वॉल एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म ऑफ, आप स्पोरोपोलेनिन लगाएंगे क्योंकि एग्जाइन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर इन ओस्फीयर इज 8, ओस्फीयर मीन्स एन होता है, और ओ एस पी एच ई आर अगर हैप्लॉयड ये है, एन है, एन 8 दिया ही है। अब ये ओस्फीयर, ये अगर ये देख लीजिए क्वेश्चन, ओस्फीयर को क्या कहते हैं? ओस्फीयर जो होता है ये हैप्लॉयड होता है,
अगर यहाँ पे उस फेयर है प्लॉइड है, ईएच यहाँ पे हटा देना, ऐसे लिख दें डबल ओ एस पी ई आर ई उस पेयर रख दें तो ये डिप्लॉयड होता है, लेकिन उस पेयर लिखा तो हैप्लॉयड। अब हैप्लॉयड की संख्या कितनी दिया है, 8 दिया है। अब इसमें कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो कितना होगा क्रोमोसोम इंडोस्पर्म में, तो इंडोस्पर्म तो 3n होता है ना, तो n 8 है, तो 3 इंटू यही n का मान यहाँ रख दीजिए 8 रख दीजिए, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड एम्ब्रियो सैक, तो उसको क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक कहेंगे। ये 297 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 297 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड एम्ब्रियो सैक, उसको कीमोटैक्टिक। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा आर अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट की बात कर रहा है बट इसमें फ्लावर्स जो है, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स डिफरेंट कर रहा है, तो जिटनोगेमी आप लगाएंगे। 302 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 302 का ऑप्शन लगाएंगे डी ऑप्शन, जिटनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन सब देख लीजिए तभी अच्छा लगेगा। पोलिनेशन अकरिंग इन क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर में अगर पोलिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो गया है, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस होता है, क्लिस्टोगैमी क्लोज होती हैं इन। ये देखिए, चिरेप्ट्रोफिली पोलिनेशन इज परफॉर्म बर्ड बैट, बैट चमगादड़ के थ्रू होगा, तो चिरेप्ट्रोफिली। 305 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें आसानी से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द फिनोमिना ऑफ पोलन ग्रेन्स बीइंग ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय एयर, एयर के थ्रू होगा तो एनिमोफिली कहेंगे, और अगर जूफिली होता है एनिमल्स के थ्रू, मलाइकोफिल्स कब कहते हैं जब स्नेल्स के थ्रू, एंटमोफिली जब इंसेक्ट के थ्रू। ग्रॉस पोलिनेशन किस में होगा, ग्रॉस पोलिनेशन इज क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, चश्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, तो क्रॉस पोलिनेशन किस में आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये अच्छे से क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए, बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये लिखा गया है एलोगैमी लिखा है, ए डबल एल है, एलोगैमी में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट के थ्रू होगा तो इंटमोफिली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट ये हो गया, पोलिनेशन बाय स्नेल के थ्रू होगा तो मलाइकोफिली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फार्मेशन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका रिजल्ट होता है, क्या फार्म होता है, तो इंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये देख लीजिए, न्यूक्लियस ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली, तो इंडोस्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड, तो 323 का ऑप्शन नंबर देखिए और अच्छे से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आप लगाएंगे, ट्रिप्लॉयड 3n होता है, एंजियोस्पर्म का जो ये इंडोस्पर्म होता है 3n होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल इज, कौन होता है, स्पोरोपोलिनिन, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीइम्ब्रियानी या फिर एडवांटेटिव पॉलीइम्ब्रियानी किस में देखने को मिलेगा, सिट्रस फ्रूट में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर इज जनरली किस में पाया जाएगा, टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर किस में देखने को मिलेगा, तो 330 का ऑप्शन नंबर बी लगाइए आप, लीनियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोपाइल अकर इन, माइक्रोपाइल किस में होता है, ओवरी, ओव्यूल, सीड या बोथ, बी सीड में एंड ओव्यूल में, तो माइक्रोपाइल आपको किस में देखने को मिलता है, 331 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, सीड में भी और ओव्यूल में भी, तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन आर सेड एट, पोलन ग्रेन कब किस में गिरता है, किस सेल में, तो वन सेल स्टेज में, टू थ्री सेल स्टेज में, या थ्री सेल स्टेज में, या फोर सेल स्टेज में, तो 332 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, तो 332 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, टू से थ्री सेल स्टेज में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म क्या होती है, ये होती है, पेरिस्पर्म को क्या कहते हैं, ये फूड स्टोरेज ही होते हैं, 336 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप लगाएंगे डी ऑप्शन, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड एग न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, या कॉन्जुगेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सिंगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 338 नंबर क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी वीडियो में। जर्म पोर इज द एरिया हेयर एग्जाइन, कह रहा है कि जर्म पोर जो होता है किस एरिया हेयर एग्जाइन इज, तो ये वो होता है एब्सेंट होती है एग्जाइन, एग्जाइन पे होता है स्पोरोपोलिनिन, और जर्म पोर जहाँ से जर्म पोर जहाँ पे होता है वहीं से तो पोलन ट्यूब निकलती है, और जर्म पोर से तो वहाँ पे एग्जाइन जो होती है लेयर होती है एब्सेंट होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एनजियो स्पर्म, सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेटोफाइट में एनजियो स्पर्म, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसके उसमें कितने सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा देखिए अच्छे से, ये इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन थ्री सेल होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन अकर्स बिटवीन, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है किसके किसके बीच आपको देखने को मिलेगा, तो ट्रिपल फ्यूजन जो मेल गैमिट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच, मेल गैमिट और सेकेंडरी न्यूक्लियस बीच मिलके थ्री एंड ट्रिपल फ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोपोलिनिन अकर्सिन, स्पोरोपोलिनिन कहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट या वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन या एग्जाइन ऑफ पोलन वाल, तो पोलन ग्रेन जो होती है उसके पोलन वाल में एग्जाइन में एग्जाइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइकीज, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसाइक में कितने न्यूक्लियस होते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एकदम आसानी से देखिए क्वेश्चन इनकरेक्ट मतलब करेक्ट ही करने हैं गलत नहीं करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए एट न्यूक्लिएटेड होते हैं, सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड होती है, तो एट न्यूक्लिएटेड ही होता होगा एम्ब्रियोसाइक में। एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक को क्या कहेंगे, या मोनोस्पोरिक या बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक या ऑल ऑफ द अबव, तो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोनोस्पोरिक कह सकते हैं, बाइस्पोरिक कह सकते हैं या फिर टेट्रास्पोरिक कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 369, इफ मियोसिस अकर्स इनसाइड पोलन ग्रेन एंड एग न्यूक्लियाई इट विल, तो मियोसिस होगा जब इनसाइड पोलन ग्रेन में, तो जायगोट मियोसिस की गैमेटिक मियोसिस की स्पोरिक मियोसिस की नन ऑफ द अबव, तो 369 का ऑप्शन नंबर बी देखिए एकदम करेक्ट हो जाएगा, गैमेटिक मियोसिस होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग अपरेटस में जब एग अपरेटस ऊपर देखे होंगे तो उसमें एग एंड एंटीपोडल्स या पोलर न्यूक्लियाई या एग एंड सिनर्जिट्स क्या होती है, तो 379 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए, एंटी एग अपरेटस में क्या होता है, तो एग अपरेटस में कौन सा ऑप्शन आप लगाने वाले हैं अच्छे से देखिए। 379 का एग एंड सिनर्जिट्स आते हैं एग अपरेटस में, तो 379 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मलेकोफिली इज पोलिनेशन ऑफ मलेकोफिल्स मीन्स स्नेल एंड स्लक्स, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय आंट्स मीन्स चींटी के द्वारा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंटमोफिलस कहेंगे कि क्या बोलेंगे, तो 391 का ऑप्शन नंबर बी मायरमिकोफिली कहेंगे, क्योंकि चींटी से हो रही है ना, तो उसको मायरमिकोफिली कहेंगे। अगर ये क्या एंटमोफिली कब होती है, जब किससे होती है, एंटमोफिली मलेकोफिली यह सब डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है ये देखिए प्लीजेंट ओडोर अट्रैक्टिव कलर, आप देखिए प्लीजेंट ओडोर भी प्रेजेंट होगा अट्रैक्टिव कलर भी प्रेजेंट होगा, तो उसको कौन सा पोलिनेशन उसमें होगा ये देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो 393 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आप अच्छे से बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए एंटमोफिली में, जिसमें किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, तभी तो वह अट्रैक्ट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनीमोफिली आकर्षण, एनीमोफिली मीन्स एयर के थ्रू किस में पॉलिनेशन होगा, बलिस्नेरिया में या फिर बॉटल ब्रश में, साल्विया में, कोकोनट में। तो 397 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए, कोकोनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपिंग पोलन ऑब्टेंट इट्स न्यूट्रिशन फ्राम, कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो इंडोथीसियम इपीडर्मिस, इंडोथीसियम मिडिल लेयर, तीन लेयर होती है और एक लास्ट वाली जो होती है वो टेप्टम होती है, किसमें, एंथर्स में होती है। तो डेवलपिंग पोलन ऑब्टेंट न्यूट्रिशन, जो पोलन डेवलप होता है वो न्यूट्रिशन किससे लेता है, तो टेप्टम से लेता है। 398 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेप्टम लेयर नरिशमेंट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनेशन बाय बर्ड, अगर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे, और ऑर्निथोफिली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्राम, जो एंडोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म डेवलप होता है कहाँ से, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड या पॉलीप्लॉयड से, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे सी ऑप्शन, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए फर्स्ट हैप्लॉयड सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज, सबसे पहली जो फर्स्ट सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट को उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल या नन ऑफ द एबव, तो कौन सा ऑप्शन इसमें लगाने वाले हैं आप, ये देखिए 409 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि थ्री जो होती हैं हैप्लॉयड सेल वो डिजेनरेट हो जाती हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर होती है। नेक्स्ट मैच द फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, अब आपको अच्छे से मैच करा लेना है और इसमें गलत नहीं करना है भाई, अच्छे से देखिए 426 नंबर एकदम अच्छे से मैच कराइए क्वेश्चन, ये समझिए कि गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसमें ए को किससे मैच कराएंगे, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर से मैच करा लेंगे, और पोलन सेक्स को किससे मैच कराएंगे, पोलन सेक्स को माइक्रोस्पोरंजिया से, और स्टेमेंस को किससे मैच कराएंगे, आपका ये कराएंगे माइक्रोस्पोरोफिल से, तो बी ऑप्शन देखिए एग्जैक्ट करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए एकदम मैच कराइए, जूफिली किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, जूफिली एनिमल्स के थ्रू, और निथोफिली बर्ड्स के थ्रू ये मिलाइए, इंटमोफिली इंसेक्ट के थ्रू ये मिलाइए, और चिरेप्टेरोफिली बैट चमगादड़ के थ्रू ये मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में फोर्थ में मिलाइए, ये देखिए ए में फोर्थ मिल रहा है, ए में फोर्थ, और बी में और निथोफिली में फर्स्ट मिलाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेल गैमिट्स आर फार्म बाई, मेल गैमिट्स किससे फार्म होता है, पोलन सेल से, जनरेटिव सेल से, पोलन ट्यूब सेल से या पोलन मदर सेल से, तो 463 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अच्छे से देखिए और एकदम करेक्ट लगाइए, तो बी ऑप्शन देखिए जनरेटिव सेल से मेल गैमिट फार्म होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिकार्प ऑफ फ्रूट डेवलप फ्राम, पेरिकार्प जो होती है लेयर होती है फ्रूट की वो डेवलप कहाँ से होती है, वॉल ऑफ ओवरी से या फिर न्यूक्लियस से या फ्यूनिकल से या सीड कोट, ये देख लीजिए न्यूक्लियस नहीं लिखा है, न्यूक्लियस लिखा है जो फूड को स्टोर करती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वॉल ऑफ ओवरी से पेरिकार्प, फ्रूट की पेरिकार्प डेवलप होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से सब ये सब बताया है, फ्यूनिकल क्या होती है, इंटीगुमेंट्स क्या होती है, चलाजा क्या होता है, हाइलम क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, तो ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया है और आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो में एकदम अच्छे से डिस्कस किया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें अच्छे से देखिए, ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो इसमें देखिए फ्यूनिकल को किससे मिलाएंगे, फ्यूनिकल को फर्स्ट से आप जब मिलाएंगे, फ्यूनिकल को मिलाएंगे किससे, इसमें मिलाएंगे स्टाल्क ऑफ ओविल को फ्यूनिकल कहते हैं, इंटीगुमेंट को क्या कहते हैं, इंटीगुमेंट प्रोटेक्टिव एनवलप ओविल होती है इंटीगुमेंट, और इसमें ये देख लीजिए चलाजा क्या होती है, चलाजा जो होती है ये बेसल पार्ट ऑफ ओविल को चलाजा कहते हैं, ये मैंने देखा भी था सब डिस्कस किए हैं, और इसमें हाइलम क्या होती है, हाइलम जो होती है जंक्शन होता है पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड स्टाल का एक जंक्शन होता है जहाँ पे जाके जुड़ती है उसी पोजीशन को हाइलम कहते हैं, और माइक्रोपाइल क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल वाली होती है, तो कौन सा, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी मिल रहा है, थर्ड का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए मिला लीजिए, इसमें भी मिलाने वाला है और आसानी से आप मिला सकते हैं। क्लिस्टोगैमी क्या होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, एंटमोफिली कहेंगे, और बर्ड पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, बर्ड के द्वारा होगा पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो उसको जिटनोगैमी कहेंगे। और विंड पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, विंड पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, किसके थ्रू होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जब आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये देखिए जैसे ये देखिए ए को किससे मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे आप इससे क्लिस्टोगैमी, इससे मिला देंगे पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो उसको क्लिस्टोगैमी कहेंगे। और जिटनोगैमी किससे मिलाएंगे, बी का एम से मिलाएंगे, ये जिटनोगैमी इंसेक्ट पॉलिनेशन जिटनोगैमी में, क्लिस्टोगैमी में तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना, और जिटनोगैमी में इंसेक्ट के थ्रू, एंटमोफिली में इंसेक्ट के थ्रू होगा ना कि उसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे यार, 445 में डी ऑप्शन, सी का क्यू किस में जाएगा, क्यू क्रॉस पॉलिनेशन, एंटमोफिली मीन्स इंसेक्ट के थ्रू होगा, तो सी का यम किस में है, सी का यम देख लीजिए, इसमें सी का यम दो में है या एक ही में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का यन में जाएगा। तो बर्ड पॉलिनेशन किस में होगा, क्लिस्टोगैमस में। तो ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट लगाइए अच्छे से, ए का यन में लगाइए, ए का यन बर्ड पॉलिनेशन किस में, क्लिस्टोगैमी में, बी का लगाइए आप इसमें जिटनोगैमी में, पॉलिनेशन और बिटवीन फ्लावर्स आर द सेम प्लांट, ये सही हो जाएगा, एक ही प्लांट रहे बट फ्लावर डिफरेंट रहे, पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर सेम प्लांट, एंटमोफिलीज में किस में, सी में यम लगाइए, ये देखिए। अब जीनोगैमी मीन्स किस में लगाएंगे, जीनोगैमी में डी का क्यू लगाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ टिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, तो एंजियोस्पर्म का, सिंपल क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन ऑफ, ये देखिए पोलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट का लॉस ऑफ दियर वायबिलिटी कितनी होती है पोलन ग्रेन की, तो मिनट में बताना है, तो 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से किया भी था, तो 30 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरी कंप्लीट हो गई, जितना ये समझिए कि मैंने डिस्कस किया है, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है, इस चैप्टर को एकदम अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना, सभी वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कोई भी वीडियो देखेंगे, सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के लोगों, चैनल का लिंक आप लोग शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपना स्टेटस लगाएं, चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, जिससे आप लोग का आसानी से सिलेक्शन हो सके और मेरा भी कुछ चैनल ग्रो हो। तो आप लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2021 में अगर CET डाले हैं, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट डाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, तो ये समझिए आपको आसानी से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन प्लस कम से कम होना चाहिए, 140 प्लस 130 प्लस क्वेश्चन, तब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, नहीं तो फिर प्राइवेट। तो ये चीज़ है, तो प्राइवेट नहीं करना है, गवर्नमेंट से ही करना है आपको, तो मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।